स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ का एक्सरसाइज 1.A। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इवेल्युएट। तो इवेल्युएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल 15 लिख देंगे। जब यहाँ पे ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पे देखिएगा स्मॉल ब्रैकेट हो और अंदर निगेटिव साइन हो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो, तो हमेशा वहां पे इसका साइन का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपका माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पे 8। कैसे हो रहा है इसको सिंपली जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपका यह निगेटिव साइन देगा, क्योंकि यह एक प्रकार से लाइक नहीं टर्म है, कैसा है आपका अनलाइक साइन है, तो अनलाइक साइन है तो इसलिए आपका साइन जो निगेटिव आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका 7। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है -16 + 9। सिंपल है तो -16 राइट डाउन करेंगे और यहाँ पे +9 आ जाएगा रिजल्ट आपका, तो यहाँ पे 9 रिजल्ट आ गया। तो फिर इसको क्या करेंगे, आप सिंपल रूप से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि यह आपका निगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव टर्म है, तो यहाँ पे निगेटिव टर्म को पॉजिटिव टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 7, और 16 जो है आपका ग्रेटर नंबर है, तो इसलिए इसके सामने का जो भी साइन होगा उसको हम लोग आंसर में लिख देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है थर्ड इसका -7 - 23, बीच में आपका एडिशन का साइन है, तो -7 + - हो जाएगा आपका -23। अभी आपका रिजल्ट दे देगा -30। देखना यहाँ पे ध्यान से स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपका दोनों निगेटिव साइन है, इसलिए इसको एडिशन कर देते हैं, जिस प्रकार से पॉजिटिव साइन होता है तो हम लोग आप एडिशन करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी एडिशन कर देंगे। यहाँ पे आपका -32 + 47, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट पहले रिमूव करेंगे, +47, यहाँ पे 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 5, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा 5। क्वेश्चन है हमारा 53 राइट डाउन करेंगे -26, यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे 3 यानी 13 हो जाएगा, 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा -48 को लिख लेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस जाएगा 36 हो जाएगा, फिर इन दोनों को एडिशन कर लेंगे क्योंकि दोनों निगेटिव साइन है, तो 8 + 4 हो जाएगा आपका 14, 4 कैरी 1 हो जाएगा 7 और 1 8 -84 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा फाइंड द सम ऑफ, हमें सम निकालना है, सम का मतलब होता है हमारा एडिशन, यानी एड करना है इसको। अब इसके लिए क्या करेंगे कि आप लिखेंगे 153 + -302, पुनः यहाँ पर हो जाएगा 153 - 302, यहाँ पे ग्रेटर नंबर यह है, स्मॉलर नंबर यह है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 9, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे 9 होगा, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे होगा आपका 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 1, और निगेटिव साइन यहाँ पे लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 105 + -277, नाउ 1005 - 277, नाउ सब्ट्रैक्ट इट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे होगा 9, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 9, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7, आपका आंसर हो जाएगा 728। नाउ
वी एट दिस टर्म 2035 प्लस 297 15 है आपका यहाँ पे 15 होगा, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8, 12 होगा, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पे होगा आपका 9 क्योंकि यहाँ पे 10 होगा, 10 से कैरी लेगा, यहाँ पे तो होगा 12 तो यहाँ पे होगा 9, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7, यहाँ पे होगा -1 यानी इतना -1738 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -48 and 9 प्लस -324 -489 -324। अब यहाँ पे दोनों निगेटिव साइन है, दोनों को ऐड कर लें, 9 4 हो जाएगा 13, 3 कैरी 1, 8 2 10 and 1 11 1, 3 4 7 and 1 8 -830। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे -4 8 9 +4 8 9 यहाँ पे दोनों निगेटिव साइन है और पॉजिटिव साइन यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 क्योंकि दोनों सेम टर्म है, एक पॉजिटिव साइन एक निगेटिव साइन। देखना क्वेश्चन ये जो है थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका, अलग से क्वेश्चन बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 1000 प्लस 438 फिर यहाँ पे देखा जाए 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा 10, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 2, 9, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 6, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 5, -562 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारा -238 प्लस 500 इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 5 यानी इससे इसको माइनस कर दें तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 सेपरेट करना हो जाएगा 2, 9 में से 3 सेपरेट करना हो जाएगा 6, 4 में से 2 सेपरेट करना हो जाएगा 2 जो पॉजिटिव साइन आएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द 80 इनवर्स ऑफ -83 यहाँ पे सिंपल में लिख देंगे, राइट डाउन कर देंगे यहाँ पे और 82 इनवर्स ऑफ -83 इज +83 अपोजिट कर देंगे तो इसी प्रकार से 256 का अपोजिट जो होगा 80 इनवर्स होगा वह कितना हो जाएगा आपका -256। लिखने का तरीका यही रहेगा सेम, यहाँ पे लिख देंगे और 80 इनवर्स आप 256 -256 जीरो का 80 इनवर्स जो होगा वह आपका जीरो ही होगा। 2001 का 80 इनवर्स जो होगा आपका क्या हो जाएगा +2001। सबट्रैक्ट करना है तो कभी भी सबट्रैक्ट करते वक्त हम लोग ये ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया जाए सबट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे इसको राइट डाउन इधर करेंगे, इसको राइट डाउन इधर करेंगे जब भी बीच में प्रॉब्लम आया हो उसके लिए तो हो जाएगा आपका यहाँ पे -42 and 28 ये तो लिख लिए लेकिन सबट्रैक्ट करना था तो आप बीच में निगेटिव साइन लगा देंगे। अब देखा जाए दोनों निगेटिव साइन है, दोनों को ऐड कर लेंगे 8 to 10 जीरो हो जाएगा और 2 4 6 और 1 7 यानी -70 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे है तो 42 को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, --32 इस तरह से राइट डाउन करेंगे क्योंकि बीच में निगेटिव साइन लगाना क्योंकि हमें सबट्रैक्ट करना है तो हो जाएगा 42 और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव साइन +36। यहाँ पे कैसे हो रहा है इसको चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस
का जब माइनस में इंटू होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेट है, स्मॉल ब्रेकेट तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव 6 to 8 4 3 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम -53, तो यहाँ पे भी राइट डाउन करेंगे -53 -37 -53 का जब माइनस मल्टीप्लाई होगा 37, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, 30 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा और 7 में से 13 और 7 हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे और 6 होगा यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 यानी -16 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 0 को इधर राइट डाउन करेंगे, इसको इधर करेंगे 318, तो यहाँ पर रिजल्ट जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 318 माइनस। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, सेम प्रॉब्लम है, एक जैसा है, बट यहाँ पे साइन जो है निगेटिव है तो हो जाएगा 0 माइनस -64 इक्वल टू +64। सो स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे इस एक्सरसाइज 3 पॉइंट आपका 1.1 में समझने में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट में जाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इस प्रकार से कुछ हमने ऐसा भी क्वेश्चन है जिसको हमने रिमूव कर दिया, छोड़ दिया, जैसे यहाँ पे 13 है तो 4 है, इसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह एक जैसे ही है, इसलिए हमने उसको नहीं बताया, अलग अलग तरीके वाले क्वेश्चन को बताया है।